हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आया हूं सेकंड हैंड कार सेल परचेज में। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, फॉर्चूनर लगी हुई है गाड़ी फॉर सेल के लिए। तो बड़ी से लेकर छोटी गाड़ी आपको मिलेगी यहां पर, वैगन आर, ऑल्टो, i20, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, सब गाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी फॉर सेल के लिए। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी, ये जो गाड़ी है कैसी दिखती है। फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसके बाद इंटीरियर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा दोस्तों क्या कुछ कॉस्ट है और कितनी गाड़ी चली हुई है। सबसे पहले इसकी अगर बात की जाए, गाड़ी का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा VVIP नंबर है दोस्तों, 0008 गाड़ी का नंबर है, HR51। और साइड प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो, मॉडल की बात की जाए तो ये जो है 2015 मॉडल है गाड़ी का। और इंटीरियर देख लेते हैं गाड़ी के अंदर कि इंटीरियर कैसा दिखता है। तो ये है दोस्तों फॉर्च्यूनर 2015 मॉडल, ये इंटीरियर है गाड़ी का, VVIP नंबर है गाड़ी का 0008, देख सकते हैं। तो इस फॉर्च्यूनर की कॉस्ट है दोस्तों 16,70,000 रुपये, 16,70,000 रुपये। अब बात करते हैं दूसरी गाड़ी की, ये भी फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी हुई है दोस्तों, टोयोटा फॉर्च्यूनर। इसका भी VIP नंबर आप कह सकते हैं 0019। इसकी कंडीशन ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को इससे, अगर आप कंपेयर करेंगे, बैक प्रोफाइल आप कंपेयर कर सकते हैं। इससे पहले इस गाड़ी की भी जो है मैं आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ और फिर इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखाऊंगा कैसी दिखती है गाड़ी और इसका क्या कुछ प्राइस है, क्या कुछ रेट है, कितनी गाड़ी चली हुई है, सारी बातें हम करेंगे। तो उससे पहले एक थोड़ा सा लुक ले लेते हैं गाड़ी का, साइड प्रोफाइल देखते हैं गाड़ी की। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अब अंदर से दिखा देता हूँ मैं गाड़ी को। तो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो ये वाली गाड़ी दोस्तों टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल है। अब बात की जाए गाड़ी की तो 1,70,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अब कॉस्ट की बात की जाए इस फॉर्च्यूनर गाड़ी की, तो यहाँ पर 14,00,000 रुपये में ये गाड़ी आपको मिल रही है, 14 लैक्स। हाँ जी दोस्तों, 14 लैक्स में एक वेल कंडीशन फॉर्च्यूनर आपको मिल रही है, 14 मॉडल है। ये दूसरी गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी फॉर्च्यूनर, ये 15 मॉडल थी जिसकी कॉस्ट मैंने बताई 16,70,000 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट गाड़ी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, काफ़ी न्यू गाड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं चमक मार रही है गाड़ी, 2021 मॉडल है ये, सिर्फ 8 से 9 महीने पुरानी गाड़ी है, गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है। बात की जाए दोस्तों गाड़ी की तो पहले आप लुक देख लीजिए, काफ़ी न्यू गाड़ी है, मीन्स जैसा मैंने आपको बताया 1 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं है, 2021 मॉडल है, 8 से 9 महीने पुरानी गाड़ी है। तो दोस्तों 10,000 किलोमीटर गाड़ी रन कर चुकी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, ऑटोमेटिक फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर। और इस गाड़ी की जो कॉस्ट है 8,00,000 रुपये यहाँ पर बताई जा रही है कार चॉइस के द्वारा। तो 8,00,000 रुपये में मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2021 मॉडल ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ आ रही है दोस्तों। ये इसका इंटीरियर है, डैशबोर्ड। अब बैक प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की देख लेते हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है गाड़ी। ये देखेंगे विटारा ब्रेजा का बूट स्पेस इसके अंदर जो मिलता है आपको।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी की, जो कि है दोस्तों टियागो। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है दोस्तों, और मैं आपको सारी गाड़ी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो वो गाड़ी आप ले सकते हैं। मारुति इको है यहाँ पर, ऑल्टो है, वैगनार है, फॉर्चुनर है दोस्तों, ब्रेजा है, टियागो है, क्रेटा है, सिविक है, i20 है, सभी गाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी की, टाटा टियागो। तो ये टाटा टियागो की फ्रंट प्रोफाइल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है, वेल कंडीशन गाड़ी लग रही है। बाकी मॉडल मैं आपको बताऊंगा, कॉस्ट इसका बताऊंगा, उससे पहले साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड और फ्रंट प्रोफाइल आप देखिए। तो ये गाड़ी दोस्तों आपको पेट्रोल के अंदर मिलेगी विद ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ। और अब इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं, फिर इसके दाम की बात कर लेते हैं। टियागो का इंटीरियर आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्लीन इंटीरियर है, प्रीमियम इंटीरियर इसके अंदर दिया गया है। ये मिरर एडजस्टर, साथ में स्पीकर। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों 45,000 किलोमीटर रन कर चुकी है टियागो। और अब बात कर ली जाए इसके कॉस्ट की, तो 5,40,000 रुपये कॉस्ट इस गाड़ी की बताई जा रही है। आप बताइए दोस्तों, क्या ये जो टियागो गाड़ी है 5,40,000 रुपये डिजर्व करती है? मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है। अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा की, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली गाड़ी हुंडई क्रेटा, HR नंबर गाड़ी है हुंडई क्रेटा। अब इसके साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, फिर इसके कॉस्ट की बात करते हैं दोस्तों कि क्या कॉस्ट है इसका। तो दोस्तों ये जो है हुंडई क्रेटा, दो हज़ार 2018 मॉडल है गाड़ी, 65,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। और इसकी जो कॉस्ट यहाँ पर डिमांड की जा रही है कार चॉइस के द्वारा इस क्रेटा गाड़ी की, वो है 9,80,000 रुपये। अब मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, फिर आप बताएं कि ये गाड़ी 9,80 डिजर्व करती है नहीं करती। तो ये 2018 मॉडल के जो क्रेटा है दोस्तों, हुंडई क्रेटा, उसका इंटीरियर है ऐसा, डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, साथ में ये कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स मिलेंगे, स्टीयरिंग आपको ऐसा, और पावर विंडो और कुछ एडवांस फीचर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। तो इसका जो कॉस्ट मैंने बताया दोस्तों आपको 9,80,000 रुपये। तो इतनी सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई, कौन सी गाड़ी के बारे में आप डिटेल चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको जो एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल के लिए आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको गाड़ी दिखाई महिंद्रा की, और जो है टोयोटा, टाटा, मारुति की कोई भी गाड़ी आपको पसंद आती है तो वो गाड़ी आप यहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इस गाड़ी की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों कार चॉइस का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैं डालने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों इन गाड़ी में से कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई, कौन सी गाड़ी के फीचर अच्छे लगे, कौन सी गाड़ी कंडीशन अच्छी लगी। और ये जो प्राइस इन्होंने बताया कार चॉइस ने, क्या ये जो प्राइस रियल में डिज़र्व करते हैं इन गाड़ियों के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
और यहाँ से अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।